नमस्कार, आई एम रश्मि। वेलकम टू माय चैनल योगा अरोरा। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, जरा से पोल्यूशन से आप लोगों को हेडेक हो जाता है, सर्दी जुखाम हो जाता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आसनास डिस्कस करूंगी जिसको डेली प्रैक्टिस करने से आप लोगों की इस कंडीशन में आप लोगों को जरूर इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो ये हम लोग 6 आसना करेंगे जिसको आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले आसना के साथ जिसका नाम है पर्वत आसना। पर्वत आसना के वैसे तो बहुत वेरिएशंस हैं, बट जो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली हेल्प करता है हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, कमर सीधी, दोनों लेग्स को सामने की तरफ लेके जाएंगे स्ट्रेट। उसके बाद अपने राइट लेग को मैं उठा के फोल्ड कर रही हूँ और अपनी थाइस के ऊपर रख रही हूँ, लेफ्ट वाली। फिर मैं अपने लेफ्ट लेग को उठा के राइट थाइस के ऊपर रखूंगी। इसको हम लोग पद्मासना भी बोलते हैं। तो इस पोजीशन में आने के बाद आप लोग अपने एडजस्ट हो जाइए और अपने सिटिंग बोन से बैठ जाएंगे। अपना जो स्किन है उसको एडजस्ट कर लीजिए ताकि आप लोग अपने सिटिंग बोन से बैठे हों, स्किन पे नहीं। तो इस पोजीशन में आने के बाद हम लोग अपने दोनों हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे और क्रॉस करेंगे इस तरह, क्रॉस किया। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच करते टाइम ध्यान रखिए कि जो स्ट्रेच होगा वो पूरा यहां से लेके हैंड तक का स्ट्रेच होगा, पूरी आर्म स्ट्रेच होनी चाहिए। और इस तरह से इस पोज को मेंटेन करेंगे। उसके बाद रिलैक्स हैंड्स को नीचे लेके आएंगे और लेग्स को अनफोल्ड करेंगे। अभी हम लोगों ने किया राइट लेग के साथ शुरुआत, अब हम लोग सेम करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। अब लेफ्ट लेग को लेके जाएंगे इस तरह से और राइट को इस तरह से। अगर आप लोग इस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं डायरेक्टली, तो आप लोग अपना एक लेग जो है अपने थाइस के नीचे भी रख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध पद्मासना। इस पोजीशन में आने के बाद हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे, क्रॉस करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच। अब यहां पे होल्ड करेंगे जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड से शुरुआत कीजिए और उसके बाद जितनी देर आपकी कैपेसिटी है, 15 मिनट 10 मिनट, उतनी देर होल्ड करिए इसको। उसके बाद आर्म्स को नीचे लेके आएंगे और लेग्स को अनफोल्ड कर देंगे। तो ये था पर्वतासना। इसके बाद हम लोग करेंगे महामुद्रा। तो महामुद्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन स्ट्रेट बैठ जाएंगे इस तरह से, कमर सीधी, लेग सामने। अब हम लोग अपने एक लेग को फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो पैर का सोल है वो हमारे थाइस को टच करेगा इस तरह से, 90 डिग्री होना चाहिए। जो नीज है फ्लोर पे रहेंगी, कमर सीधी रहेगी। अब दोनों हाथों से अपने दूसरे लेग के पैरों को पकड़ेंगे, अपनी पैरों की उंगलियों को पकड़ लेंगे। इनको पकड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इनहेल करेंगे और सांस को छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर की तरफ को दबाएंगे, पेट पे जोर डालेंगे और अपनी चिन को चेस्ट से टच करेंगे। उसके बाद उस पोजीशन को होल्ड करेंगे 2 मिनट। 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, आप लोग 5 से 10 सेकंड से शुरुआत कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाइए जितनी देर आप लोग होल्ड कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाती हूँ। होल्ड करा, सांस भरी, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, पेट को बिल्कुल अंदर दबाएंगे और चिन को चेस्ट से टच करेंगे। अब सेम रिपीट करेंगे दूसरी लेग के साथ। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, थाइस पे टच करेंगे, ये पूरा जो है नी फ्लोर पे जाएगी इस वाले हाथ से। अब अपने टोस को पकड़ेंगे और इनहेल किया, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर और चिन को चेस्ट से टच करेंगे। तो ये था महामुद्रा। अगला जो हम करेंगे वो है जानुशीर्षासना।
इसको हम लोग महामुद्रा में आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सर को बेंड करेंगे और अपने घुटने से टच करेंगे। तो जानू शीर्षासना के लिए भी हम लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे, लेग को फोल्ड करा, सेम महामुद्रा जैसे नीज फ्लोर पे, उसके बाद दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने एल्बोज को बेंड करेंगे, हाथों को फोल्ड करेंगे और सर को नीचे लेके जाएंगे। अगर आप लोग अपने सर को अपने घुटनों से टच नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना आप लोग जा सकते हैं नीचे उतना नीचे जाइए। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप लोग की कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए, कमर को इस तरह से मोड़ेंगे नहीं नीचे जाने के लिए। होल्ड किया, कमर को सीधा रखते हुए बेंड करेंगे और हाथों को फोल्ड करेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी लेग के साथ। जो लेग नीचे है आगे की तरफ वो एकदम फ्लोर पे रहनी चाहिए, घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए। जब आप बेंड हो रहे हैं तो घुटने को ऊपर नहीं उठाएंगे, घुटना बिल्कुल नीचे लगा रहेगा फ्लोर के साथ। सांस भरी, सांस छोड़ते हुए बेंड करेंगे। तो ये था जानू शीर्षासना। तो अभी हम लोगों ने तीन आसनास कर लिए हैं। अगला जो आसन है वो हम लोग करेंगे ऊर्ध्वमुख शवासना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग अपने पेट के बल पे लेटेंगे, पहले प्रोन पोजीशन में लेटेंगे। इसमें पैर जो है वो बिल्कुल फ्लोर पे टच करेंगे और दोनों हाथों को चेस्ट लेवल पे रखेंगे। उसके बाद हम लोग अपने हैंड्स को पुश करते हुए अपनी बॉडी को उठाएंगे, हाथ एकदम सीधे हो जाएंगे और हमारा जो शोल्डर्स है वो हम लोग पीछे करेंगे। इस तरह से शोल्डर्स आगे की तरफ को जैसे कान की तरफ को नहीं लेके आएंगे, कानों से दूर लेके जाएंगे और शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे। और उसके बाद अपने नीज को भी हम लोग फ्लोर से ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, उसके बाद घुटनों को रखेंगे फ्लोर पे, चेस्ट को नीचे लेके आएंगे। इसको एक बार और देख लीजिए, पैर एकदम फ्लोर पे रहेंगे स्ट्रेट, हाथ बॉडी के साइड में। इसके बाद हम लोग करेंगे सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना के लिए पहले हम लोग वज्रासना में बैठेंगे। तो वज्रासना के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाया है जिसको आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इसमें मैं आपको बता रही हूं वज्रासना के लिए भी हम लोग सेम पोजीशन में बैठेंगे, पैर बॉडी के सामने स्ट्रेट, कमर एकदम सीधी। अब एक लेग को फोल्ड करेंगे, अपने हिप्स के नीचे रखेंगे और फिर दूसरे लेग को फोल्ड करेंगे, अपने हिप्स के नीचे रखेंगे। दोनों पैरों की उंगलियां जो हैं वो मिली रहेंगी और एड़ियां दूर, और हम लोग जो बीच में गैप है उस पे बैठे हैं। तो ये है वज्रासना। इस पोजीशन में आने के बाद हम लोग पीछे की तरफ को जाएंगे। पीछे की तरफ को बेंड करेंगे और अपनी एल्बोस को हम लोग पहले हम लोग अपने हाथ इस तरह से पीछे रखेंगे, पीछे गए, एल्बोस को नीचे रखा, उसके बाद मैं सर को नीचे रखा और फिर अपनी बॉडी को नीचे ले आए। इस पोजीशन में लेटेंगे, ऊपर वापस आने के लिए भी पहले अपने सर को उठाएंगे, फिर अपने हाथों को फोल्ड करेंगे, इस तरह से एल्बोस पे आ जाएंगे, फिर हाथ और बॉडी स्ट्रेट।
तो ये था सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना को आप लोग खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और सोने से पहले भी कर सकते हैं। इससे जो आपके पैरों में आप लोगों को रेस्टलेसनेस फील होती है उसमें भी आराम मिलेगा। इसके बाद जो सिक्स आसना है जो हम लोग करेंगे वो है विपरीत करनी। इसको करने से जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो उल्टा हो जाता है, हमारा जो लेग्स है वहां से ब्लड फ्लो वापस ब्रेन की तरफ को जाता है, जिससे कि आप लोगों का जो लंग्स है वो अच्छे से काम करता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, इससे आप लोगों का जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग कमर के बल लेटेंगे, उसके बाद अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, अपने पैरों को उठाएंगे, अपने हिप्स को उठाएंगे और फिर कमर को उठाएंगे। तो इसको मैं करके दिखाती हूँ। हम लोग स्ट्रेट लेट गए अपनी कमर के बल, पैर स्ट्रेट, बॉडी एकदम स्ट्रेट। अब अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और अपनी बॉडी को हम लोग सपोर्ट देंगे अपने हाथों से कमर के पास और अपने पैरों को हम लोग ऊपर उठाएंगे इस तरह से। अपने थाइस को फोल्ड किया अपने पैरों को, उसके बाद इसको अपने पास लाते हुए इस तरह से अपने पैरों को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इसको करते टाइम जो हाथ है हमारे, हमारी बैक को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारा जो गर्दन है वो एकदम सीधा रहेगा, ऐसे गर्दन को मोड़ेंगे नहीं। अगर आप लोग डायरेक्टली इस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं तो जितना भी होल्ड कर सकते हैं इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, इस तरह से होल्ड कर लीजिए या इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। उसके बाद हाथों से बॉडी को नीचे लेके आएंगे और लेग्स को नीचे लेके आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 6 ऐसे आसनास देखे जिसको अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का जो सांस लेने की कैपेसिटी है, आपका ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, आपका लंग्स स्ट्रांग हो जाएगा, अस्थमा की अगर प्रॉब्लम है तो ये भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी और आपको जो डेली लाइफ में छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते रहते हैं उससे आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।